नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश कुमार। आप देख रहे हैं टेक्निकल लाइंस, हमारे खास एपिसोड टेक ऐप में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूं कि एक ऐसे एप्लीकेशन के बताने जा रहा हूं जो कि गूगल के एप्लीकेशन है। और इस एप्लीकेशन में मैं आपको बता दूं कि जिन चीज़ों को आप नहीं पहचानते, जिन चीज़ों को आप नहीं जानते हैं, वो अब आपका मोबाइल फ़ोन आपको पहचान करके उसके बारे में बताएगा कि वो चीज़ क्या है। तो दोस्तों, ये कैसे होगा, तो इन सभी चीज़ों पर हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो का कोई पार्ट अगर आप मिस करते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ नॉलेज भी आप मिस कर देते हैं। तो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भैया देर किस बात करनी, नीचे दिए हुए इस तरीके के लाल वाले बटन को दबा करके हमारे चैनल टेक्निकल लाइंस को सब्सक्राइब कर लें, और उसके बगल में अगर नोटिफिकेशन बेल आइकन उसे भी जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको इसी तरीके की नई नई जानकारी हासिल होती रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा गूगल के एक ऐसे फीचर के बारे में जिसे आपको यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा और आपको काफ़ी हद तक इसमें हेल्प भी मिलेगी। अब दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि अब आप इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि जिस चीज़ के बारे में आप नहीं जानते, जिस वस्तु को आप नहीं पहचानते कि वो क्या चीज़ है, अब आपका स्मार्टफोन आपको उसके बारे में पहचान करके बताएगा कि वो क्या चीज़ है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ जो है आपको कहां पर मिलेगी या ये फीचर आपको कैसे मिलेगा। दोस्तों आपके स्क्रीन पर जैसा कि आप देख रहे हैं गूगल सर्च बार पर एक सबसे लास्ट में ये कैमरे का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इस कैमरे के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और अब आपके सामने ये गूगल लेंस का ये फीचर जो है ओपन हो जाएगा। और अब आपको सिंपल सा इस लेंस में आपको इसको स्कैन करना होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप इसको स्कैन करते हैं आपको इस सर्च वाले टैब पर जो है टैप करना होगा, सर्च वाले बटन पर आपको टैप करना होगा और उसके बाद में आपको यहाँ पर सिलेक्शन देना होगा। और अब आपको ये सर्च करके बताएगा कि इस चीज़ को क्या कहते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर आपके सामने ये सभी चीज़ें और उसी जैसे इमेज आपके सामने आ गई है तो अब आपको यहाँ पर इसके बारे में पता चल जाएगा। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है पहले में कि ये क्या है, कि जैसे इसमें दिखा रहा है कि जंबो होल पेंसिल शार्पनर। तो दोस्तों यहाँ पर इसको जो है पेंसिल शार्पनर कहते हैं और जहाँ पर भी देखेंगे तो सब जगह वहीं पर पेंसिल शार्पनर उसके बारे में जो भी डिटेल आपको चाहिए तो वो डिटेल यहाँ पर आपको किसी ना किसी जगह पर देखने को मिल जरूर जाएगी। दोस्तों यहाँ पर कई सारी वेबसाइट्स हैं जो कि आपके सामने ओपन हो जाएंगी और यहाँ पर आपको उसके बारे में डिटेल मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, अब दूसरी चीज़ को हम लोग स्कैन करते हैं। ये तो गया एक छोटी सी चीज़, अब थोड़ा सा बड़ा स्कैन करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि क्या उसको स्कैन करके पहचान सकता है या फिर नहीं। अब दोस्तों यहाँ पर जो है हम लोग इसको स्कैन कर रहे हैं, मान के चलिए कि मुझे नहीं पता कि ये क्या चीज़ है। तो दोस्तों अब सिंपल सा इसको हम जो है स्कैन कर लिए हैं और टैप कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको शो कर देगा कि ये क्या चीज़ है। दोस्तों इसमें मैंने इस पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद अब आपके सामने यहाँ पर दिखाएगा कि इस चीज़ को क्या कहते हैं। दोस्तों इस को हम क्या कहेंगे, तो यहाँ पर आपको सब कुछ बता देगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है स्मार्टफोन कैमरा होल्डर जो है आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पर जो है हम इस पर क्लिक करते हैं कि इसे क्या कहेंगे, तो यहाँ दिखा रहा है मोबाइल फ़ोन क्लिप। दोस्तों यहाँ इसको जो है मोबाइल फ़ोन क्लिप कहते हैं, जो कि ट्राइपॉड यानी कि फॉर ट्राइपॉड पर ये यूज़ की जाती है। दोस्तों तो ये यहाँ पर इसके बारे में हम जान चुके हैं कि इसे क्या कहते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा और चीज़ देखते हैं कि क्या उसे भी ये सर्च कर सकता है या फिर नहीं। तो दोस्तों चलिए हम इस चीज़ को हम सर्च कर लेते हैं और देखते हैं कि ये क्या इसको सर्च कर पाएगा या नहीं। तो दोस्तों चलिए हम इसको सर्च करते हैं और इस पर हमने टाइप किया और अब आपके सामने देख रहे हैं कि ये सिलेक्शन हो चुका है इसका और अब जो है इसको ये सर्च कर रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सर्च कर रहा है, अब देखिए कि क्या ये इसको यूज़ कर पाएगा या सर्च कर पाएगा या नहीं। दोस्तों यहाँ पर जो है इसको सर्च करने के लिए हमने छोड़ दिया और अब देखेंगे कि यहाँ पर जो है बिल्कुल इसने सर्च कर लिया, इसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि ये एक परमानेंट मार्कर है जो कि पेन ब्लैक है। दोस्तों यहाँ पर कलर भी देखेंगे, आप इसका सर्च कर लिया है इसने और यहाँ पर इसके बारे में बता दिया। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हम इस पर क्लिक कर सकते हैं तो इसके बारे में और भी हम जानकारी ले सकते हैं कि इसका क्या प्राइस वगैरह है। तो यहाँ पर देख रहे हैं परमानेंट मार्कर इसको कहते हैं और ये ब्लैक कलर का है, तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर शो कर दिया। चलिए दोस्तों हम इसके बाद की चीज़ हम लोग देखते हैं कि क्या उसको सर्च कर पाएगा या फिर नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग फिर से बैक आते हैं और बैक आने के बाद जो है अब हम देखेंगे क्या इसको ये सर्च कर पाएगा या फिर नहीं। तो दोस्तों इसको पूरी इमेज को हम लोग लेंगे अपने शटर पर, अपने फ्रेम में लेने के बाद हम यहाँ पर फिर से टैप करेंगे और अब हम इसको यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे तो दोस्तों जैसे इसको पूरे फुल इमेज को कवर हो जाए। और अब आप देखेंगे कि इसको सर्च कर रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे कि इसने सर्च किया हुआ है और आपके
उसी तरीके का अगर कुछ दिखाए तो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको उसी तरह की सिमिलर इमेज देखने को मिल रही है, तो इसको हम लोग क्लिक करके देखेंगे क्या ये वही चीज़ है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर दिखा रहा है जो भी चीज़ें हैं और यहाँ पर जो शो कर रहा है, तो दोस्तों ये लैंग्वेज अगर आप देखेंगे कि किस लैंग्वेज में आ गई है, और हम लोग जो है इसको बैक करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर इंग्लिश में कुछ शो करेगा, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग उससे देख लेंगे कि इसका क्या नाम है। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर दिखा रहा है कि ये एक कैमरा मिनी मोनोपॉड है, और इसको आप देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग मोबाइल को होल्ड कर सकते हैं, तो ये जो है हमारा मिनी मोनोपॉड इसको कहते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको बताएगा। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा और ये गूगल का फीचर आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से ज़रूर लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी गूगल के इस फीचर के बारे में जानकारी हासिल कर सकें। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ में बताइए कि आज के इस वीडियो से क्या आपने कुछ नया सीखा, क्या आपने कुछ नया जाना। दोस्तों अगर वीडियो का कोई भी पार्ट आपको ना समझ में आया हो, किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हुई हो, तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और हम आपको उसका उत्तर जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों एक बात और है कि जब आप हमारा वीडियो देखते हैं तो यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भैया देर किस बात करनी, नीचे दिए हुए इस तरीके के लाल बटन दबा करके हमारे चैनल टेक्निकल एंस को सब्सक्राइब जरूर कर लें, उसके बगल में अगर नोटिफिकेशन बेल आइकन उससे भी जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको नई नई जानकारी हासिल होती रहे। तो दोस्तों आपको बता दें कि जब आपको वीडियो अच्छा लगा करे तो प्लीज़ आप लोग उसे लाइक भी कर दिया कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए वो ठीक है और आपके वो यूज़ में आ रहा है, वो आपका ज्ञान बढ़ा रहा है। तो दोस्तों बिल्कुल देर मत करें, नीचे लाइक के बटन को दबा करके इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो, अगर नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं ताकि हमें पता चले कि हमें और कितनी मेहनत करनी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।